Hello to all my bachalog. Namaskar Adab and Kame Cho. Welcome to the class of SSP. The finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Mohabbat with the subject My Lal Bal Gopal. So, this is all about alternating current. Probably this is going to be the last class. लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा सीन आपके एल सी ऑसिलेशन प्रीवियसिलेशन का था राइट और हमने अल्टरनेटिंग uh, पूरा फिनिश कर दिया बच्चा बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा और एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी भौकाल मचाने वाली सीरीज ऑन द वे है आपका वेट कर रही है सो so, एक ही चीज आपको करनी है जल्दी से नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू टू प्रेस द बेल आइकन बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल माई लाल बाल गोपाल सो आज का जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी एक बार दिल से सुनोगे लेक्चर तो जीवन काल के अंत समय तक नहीं भूलोगे कईयों को लगेगा तुम्हारा मास्टर साइको है पर तुम्हारे मास्टर के पढ़ाने का और बोलने का यही अंदाज है मेरे लाल बाल गोपाल चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट फड़। अच्छा हाँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखना है तो जल्दी से अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करो आपको यहां पर राइट कॉर्नर पे सिंबल आई दिखाई देगा टच दैट आई विल एबल टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स टू एंड स्पेशली ट्वेंटी वालों के लिए पूरा का पूरा रीशूट किया जा रहा है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना बच्चा लोग वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं डिस्क्रिप्शन में भी जाइए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए हर जगह पे ठीक है पर अपनी फैमिली बड़ी होनी चाहिए एज यू नो वेन एवर आई स्टार्ट माई क्लास आई वोलव इज टू रिकॉल द प्रीवियसॉज दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट समथिंग न्यू माई लाल बाल गोपाल सो प्रीवियसली वी वसिंग अबाउट एसी करंट करेंट लेक्चर सेवन था और ये देखिए जो जो लिखा था वो सारी की सारी बातें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है एज इट इज यही सबसे खास बात है इस टेक्नोलॉजी की जो मुझे बहुत पसंद आती है कि जो भी मैं लिखता हूं वो एज अ पीडीएफ से हो जाता है हैंड नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा बच्चा लोग बस एक चीज करना है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है एग्जाम नजदीक आएगा फास्ट रिवीजन होगा तो इसी तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूं ठीक है मुझे कोई पीपीटी की जरूरत नहीं है मैं जो लिखता हूं भगवान के आशीर्वाद से वो बेस्ट हो जाएगा और वही आपके एग्जाम में भी काम आएगा ठीक है तोरा जल्दी से आप लोगों को रिकैप दिखा देते हैं क्या बोलते हो शुक्ला जी आनंद की अनुभूति शुक्ला जी अरे माता रानी का आज पहला दिन है बच्चा पार्टी और माता रानी की कृपा आप सब पर बरसे और आप सब किसी चीज के लिए ना तरसे जय हो बोला सी अम्बे मात की जोर से शुक्ला जी माता रानी मैया की वैष्णो देवी मैया की कईयों को लगेगा मास्टर बट भाषा के पढ़ाने का दे। बहुत बढ़िया शुक्ला जी शुक्ला जी हमारे एक्साइटेड आज व्रत व्रत रख के आए हैं उनको है ना सही वाली शुक्लाइन चाहिए क्या बोलते हो शुक्ला जी व्रत इसलिए रखे हो ना हाँ भी बोल रहे चोर कहीं का चलो देखो बच्चा तो एलसी में फटाफट रीकैप देख लेते ठीक है ओके तो बच्चा लोग प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो एलसी ऑसिलेशन मैंने आपको ये सिखाया वास्तविकता में एक इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी का ऑसिलेशन होता है ये आपका इंडक्टर है जिसमें एनर्जी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होती है ये आपका कैपेसिटर है एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म की होती है और यही ऑसिलेट होता है बच्चा लोग जब ये ऑसिलेट होते हैं तो वेव बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है जो कि हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है दिस इज ऑल अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेविल अपकमिंग सेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइट माय लाल बाल गोपाल आगे मैंने आपको ये सिखाया था एक शानदार सा डेरिवेशन कराया था कि अगर एक इंडक्टर कोई कैपेसिटर के साथ जोड़ते हैं बच्चा तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है एल डी आई बाई डी टी और कैपेसिटर का जो है Q बराबर सी वी यानी बी बराबर क्यू बाई सी इनिशियली कैपेसिटर फुल एनर्जी का होता है ये देखिए शानदार सा डेरिवेशन किसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है क्यू बाई सी और यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी आई की जगह पर आप माइनस डी क्यू बाई डी टी रखेंगे क्योंकि समय के साथ चार्ज कम हो रहा है लेकिन आई की जो वैल्यू होगी बढ़ जाएगी तो जब आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा और ये इक्वेशन आपको प्रूफ कराता है कि भाई साहब ये एस एच एम है जिससे एक बात समझ में आ गई कि चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है ओ हो हो ये सारी बातें आपको समझा दी गई थी मेरे लाल बाल गोपाल आपको सिर्फ एक मस्त वाला रिकैप दे रहा हूं बच्चा पार्टी ले लीजिए ये देखिए ये देखिए इक्वेशन बस वैसे ही इसका भी इक्वेशन ये रहा मेरे लाल बाल गोपाल पूरा का पूरा सॉल्यूशन और ये बात प्रूफ कर देता है कि करंट का और चार्ज का दबा दब, दबा दब, दबा दब, दबा दब। क्या होता है ऑसिलेशन होता है ठीक है तो ये है हमारा प्रे... ओके बच्चा लोग सो आज का ये है की पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर पहले चलेंगे इंट्रोडक्शन पे फिर चलेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पे ये एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चा लोग इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ठीक है ट्रांसफॉर्मर के बारे में इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन वर्किंग फॉर्मूला चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सोचो बच्चा लोग कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है ये 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 एक्चुअली चीज है क्या आपको पता है कि आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है मेरे लाल बाल गोपाल वो एसी सोर्स है और पता है वो कितना आता है 230 वोल्टेज 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी पर आता है बट आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस ऐसे हैं मेरे लाल बाल गोपाल जैसे कि मोबाइल सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल मोबाइल सेल फोन आपका उसको मात्र 10 से 12 वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए इट रिक्वायर्स ओनली 10 टू 12 वोल्टेज अप्रोक्स बोल रहा रहे आइडिया नहीं ठीक है अप्रोक्स बोला बट इतना होता है अब आप जरा सोचो मेरे लाल बाल गोपाल कि अगर मोबाइल को 10 से 12 वोल्टेज ही चाहिए बट आप इसके शॉकेट को तो कनेक्ट कर रहे हो एसी सोर्स के साथ और आ रहा है दो सौ तीस वोल्टेज अरे तो आपके मोबाइल के प्राण निकल जाएंगे घड़ाक से फटेगा बट इन रियलिटी फटता नहीं है क्योंकि कोई तो मीडिया है इस एसी सोर्स और इस मोबाइल के बीच में कोई तो मीडिया है या कोई तो डिवाइस है या यू कहूं कोई तो मशीन है मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो कोई तो मीडिया है कोई तो माध्यम है कोई तो जरिया है या तो कहूं कोई तो मशीन है जो इस 230 वोल्टेज को काट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 या 12 में कन्वर्ट कर देता है इस मीडिया या इस मशीन को ही बच्चा पार्टी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल कर ले, ये एक्चुअल में करता क्या है वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल भी दो तरह से करता है अगर हम एक बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बताएं तो ट्रांसफार्मर बच्चा लोग दो तरह का होता है एक वो होगा जो वोल्टेज को बढ़ाएगा और एक वो होगा जो वोल्टेज को मेरे लाल घटाएगा जो वोल्टेज को बढ़ा दे बच्चा अभी बताएंगे कि कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है बच्चा उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और जो वोल्टेज को डाउन कर दे मेरे लाल उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलो चमचम चमकीला -चम अरे लागीला 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 तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या है देर आर लॉर्ड्स ऑफ अप्लायसेस इन अवर होम विच कैन नॉट ऑपरेट डायरेक्टली टू थर्टी वोल्टेज सप्लाई सो देर मस्ट बी मीडिया दैट कैन कन्वर्ट्स The higher supply voltage into the lower supply voltage as per the requirement. That media, that machine, or that, that device is known as Merilal Bal Gopal transformer. In a very same way, sometimes we have to increase the voltage as well. So, again, we will use a transformer, but the different version of transformer. You have to, if you have to take a tra uh, uh, system when the voltage is down, then it is a step down. When the voltage is up, सपोज अगर मेरे पास में ये सिस्टम है मुझे इसमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए मेरे घर में 230 है तो मुझे इसके साथ मशीन में क्या लगाना पड़ेगा स्टेप अप लगाना पड़ेगा तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स इन योर माइंड मेरे लाल बाल गोपाल टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ बच्चा पार्टी के ट्रांसफॉर्मर एक तरह का मशीन है जो वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट बड़े लेवल पर इसका यूज कहां पर हो जाता है और क्या प्रॉब्लम्स भी आती हैं ठीक है वो हम डिस्कस करने के बाद सीधा इसके कंस्ट्रक्शन पर आते हैं आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ये ये एज इट इज मैं रखूंगा बच्चा लोग ताकि आपको एग्जाम में ये जब भी आप स्लाइड ओपन करो तो आपको तुरंत धड़ाके के साथ मिल जाए ठीक है अब हम ना बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है आपने देखा होगा बड़े बड़े डेम है ना अपने इंडिया में भी बहुत सारे राज्यों में हैं जैसे मुझे अगर एग्जैक्ट uh, नहीं पता है बट ये इतना पता है कि टर्बाइन चलते हैं टर्बाइन के ऊपर पानी गिराते हैं जहाँ पर ज़्यादा सोर्स uh, होता है जहाँ पर डैम बनाते हैं जहाँ पर पानी कलेक्ट करते हैं वहां पर एक बड़ी सी टर्बाइन लगाते हैं टर्बाइन के ब्लेड्स घूमते हैं पानी के नीचे गिरने से फिनोमिना होती है सोचिए वो फिनोमिना कौन सी है दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्योंकि जब फैन रोटेट होगा तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में होगा और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फैन रोटेट होता है तो फ्लक्स में चेंज होता है जिसकी वजह से करंट जनरेट होती है और वो आपकी एसी करंट है मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है अलग अलग कंपनियां दावा करती हैं अलग अलग हम बात करते हैं कुछ एक बेसिक एग्जाम्पल से बहुत शानदार बात आप यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को बहुत फील करके समझिएगा ठीक है रट्टा मत मारो मेरे लाल बाल गोपाल फिजिक्स को फील करो कसम उड़ा चल लेकिन तुम्हें अगर फिजिक्स का इस मोहब्बत नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और पढ़ाना छोड़ दूंगा ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा अभी के अभी देखिए मान लीजिए कि ये जो था ये कोई कंपनी है जहां पे एक रिवर के पास में कंपनी अपना काम कर रही है प्रोडक्शन का काम कर रही है बहुत सारी कंपनियां हैं तो टर्बाइन वर्बाइन लगा हुआ था और एक कंपनी ने जो है एक हजार वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी ठीक है द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वन थाउजेंड वॉट इज वॉट जूल पर सेकेंड ना बेसिकली कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि एक हजार वॉट की बिजली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो हमने नदी के पास में जनरेट की डैम के पास में जनरेट की वो राज्यों तक डिस्ट्रीब्यूट हो डिस्ट्रिक्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो तो एज इट इज रहे या कुछ लॉस हो हाँ चाहेंगे तो हम यही कि एज इट इज रहे बट लॉस हमारे हाथ में है नहीं आई एम नॉट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लॉस डायरेक्टली बट दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो प्रोडक्शन करते हो कंपनी आपके पास में तो आप क्या चाहोगे कि वह सही तरीके से कस्टमर तक पहुंचे ना ऐसा तो नहीं है ना कि कस्टमर तक पहुंचने से पहले सब कुछ लॉस हो जाए नहीं हम चाहेंगे कि हजार की हजार वॉट बिजली जो है वो हमारे राज्यों तक अलग अलग राज्य में अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग शहर में अलग अलग गांव में स्कूल में हर जगह पर नुक्कड़ तक पहुंचे तो पहुंचाने का तरीका क्या है ये थाउजेंड वॉट अलग अलग कंपनी मान लीजिए कि हमने एक आ, हमारा स्टूडेंट था शुक्ला जी शुक्ला जी हर एग्जाम्पल में आ जाते हैं तो शुक्ला जी की कंपनी है शुक्ला जी ने बोला सर आप मेरे से बिजली ख़रीद लो कई लोग खुश सर हमारे पास ही बिजली है क्या बोलते हो यार तो शुक्ला जी ने जो बोला कि सर मेरे से बिजली ख़रीद लो मेरे पास में जो मेरी कंपनी है वो बिजली इस तरह से बनाती है कि सर मैं तो क्या है पाँच वोल्टेज जनरेट करता हूँ और करेंट सर होता है मेरा टू एम मैंने बोला यार बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 500 और 2 एम मल्टीप्लाई करेंगे तो तो भी 1000 वोट ही आएगा ठीक है बच्चा इस बात को समझिएगा वहीं पर हमारे गुप्ता जी भी थे वो भी हमारे अभी अभी दबंग बैच के अंदर जुड़े हैं इनका भी नाम बहुत रहता है शुक्ला जी 2018 के बैच में थे ऑफलाइन क्लास के अंदर गुप्ता जी ऑनलाइन क्लास में ठीक है गुप्ता जी ने बोला सर मैं भी बनाता हूँ ना सर देखिए मैं क्या करता हूँ सर टू फिफ्टी वोल्टेज लेता हूँ और सर मेरी कंपनी क्या करती है चार एम्पेयर का करंट डाल देती है तो भी सर देखो थाउजेंड ही मैं बनाता हूँ सर आप मेरे से लेके जाओ बिजली मैंने कहा ठीक है यार तुम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है इसमें एक और हमारा स्टूडेंट आ गया मिश्रा जी ये हमारे मित्र हो गए ये भी फिजिक्स ही पढ़ाते हैं ठीक है थीके? <laughs> तो मिश्रा जी मिश्रा जी ने बोला अरे ए ए भैया इन्हें आओ देखो हम भी बनाते हैं मैं अच्छा ठीक है मिश्रा जी तुम कैसे बनाते हो तो मिश्रा जी ने क्या बोला देखो यार मैं तो क्या सॉफ्ट वोल्टेज का जनरेशन करता हूँ और टेन एमपी की करंट डाल देता हूँ क्योंकि पावर का फॉर्मूला वी इन टू आई है सभी जगह पर वी आई वी आई वी आई, वी आई तो फिर मेरे पास भी तो थाउजेंड वॉट है तो यार देखो मेरे को ना बड़ी ज़रूरत है तुम तो मुझसे बिजली खरीद के लेके जाओ मैंने कहा यार कमाल है मेरे दोनों स्टूडेंट और मेरा मित्र सब लोग बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार कोई तरीका बताओ कैसे लेके जाऊँगा तो तीनों ने बोला भाई हवा में तो बिजली जा नहीं सकती बिजली को भेजने के लिए आपको केबल लगाने पड़ेंगे है ना ये ऐसे लंबे लंबे वायर्स पे जाते हैं आप कभी गांव वगैरह जब जाओ तो ट्रेन वगैरह से जब जाते हो तो आप देखते हो बिजली के बड़े बड़े खम्भे लगे होते हैं भाई साहब वो बेसिकली इलेक्ट्रिक सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है उसमें ठीक है अब अगर केबल लगा है तो लेंथ है और सो इलेक्ट्रिसिटी right, so का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वी हैव टू यूज सम केबल और ये देखिए बच्चा लोग जो केबल होगा तो उसका कुछ लेंथ होगा अगर कुछ उसका लेंथ होगा तो आर इस प्रोपोर्शनल टू एल के हिसाब से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा तो मैंने बोला अच्छा ठीक है अब रेजिस्टेंस तो यार लंबा जितना लंबा वायर होगा उतना जबरदस्त केबल होगा उतना जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा है ना जितना लंबा वायर होगा अभी गुजरात से महाराष्ट्र भेजना है महाराष्ट्र से यार कोयम्बतूर चेन्नई भेजना है तो भाई भाई साहब प्राण निकल जाएंगे इतना लंबा वायर होगा तो जितना लंबा वायर होगा उतना लंबा रेजिस्टेंस होगा खतरनाक रेजिस्टेंस होगा बट हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए मार लेते हैं कि रजिस्टेंस जो था वो टेन ओम था अब हम सब जानते हैं कि जब भी करेंट पास होती किसी वायर से तो अकॉर्डिंग टू पीज टू आई स्क्वायर आर देर इज सम पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल राइट सो so, चलिए मैं सबसे पहले मिश्रा जी का देख लेता हूँ तो मिश्रा जी की कंपनी में मैंने देखा पावर लॉस कितना आ रहा है मैंने देखा यार आई स्क्वायर आर अगर लगाता हूँ मिश्रा जी में तो मिश्रा जी का जो करंट था अरे बच्चा लोग टेन एम्पियर था कितना था टेन एम्पियर तो टेन का स्क्वायर हंड्रेड टाइम्स ऑफ रजिस्टेंस रजिस्टेंस कितना था टेन यानी ये लीजिए हजार वॉट का लॉस यानी मिश्रा जी जो है हमको मामा बना रहे थे मिश्रा जी का प्रोडक्शन ही थाउजेंड वोट है बट प्रोडक्शन इस तरह से कि हजार वोट लॉस हो जाएगा तो मैं लेके क्या भजिया खाऊंगा मेरे को तो मिलेगा ही नहीं है ना मैं बर्बाद हो जाऊंगा बच्चा लोग तो बाद में मैं चला गया गुप्ता जी के पास गुप्ता जी बोले सर देखो तो सही मेरा देख लो मैंने कहा ठीक है भाई दिखा दे तेरा भी दिखा दे तो इनका जो पावर लॉस हुआ बच्चा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल वो देखिए चार एम्पेयर की करंट थी कितनी थी चार एम्पेयर तो चार का स्क्वायर कर दिया सिक्सटीन और फिर रेजिस्टेंस था कितना टेन वायर का ये रेजिस्टेंस तो बेसिकली इसका आया 160 सौ वॉट तो अगर 160 सौ वाट चला गया तो वास्तव में तो थाउजेंड वॉट जनरेट कर रहा था 160 चला गया तो इसका तो कुछ ठीक है बढ़िया है 840 सौ वाट मिला बट मैंने कहा यार मेरे को तो ना शुक्ला जी भी कुछ एस्टिमेशन बता के गए थे लेट्स टॉक टू शुक्ला जी एक बार शुक्ला जी से ही बात कर ली जाए तो कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि सही और गलत में क्या है ना डिफरेंस क्या है तो मैं शुक्ला जी के पास गया जब मैं शुक्ला जी के पास गया मेरे लाल बाल गोपाल तो मैंने देखा यार गजब यार शुक्ला जी ने करंट जनरेट की थी तो टू का स्क्वायर इनका जो पावर लॉस हुआ फोर इन टू रजिस्टेंस टेन यानी मात्र चालीस वॉट का ही लॉस था तो कुल मिलाकर के जो मुझे सप्लाई मिली इनके कंपनी से थाउजेंड माइनस ये कर दो तो सिक्सटी वॉट ओ हो हो हो। तो एक बात समझ में आई बच्चा इफ यू सी दिस रीडिंग ना ट्रस्ट में मजा आ जाएगा यहां पे 960 मिल रहा था 1000 में से यहां 840 मिल रहा था यहां तो कुछ मिल ही नहीं था जीरो हो गया है. तो सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी मानी गई मिश्रा जी की ऑब्वियसली क्योंकि लॉस कम है तो मिश्रा जी का लॉस कम क्यों है रीजन क्या है अब वो दोनों में से अलग क्या है देखिए कंपनी दोनों में से अलग क्यों है क्योंकि मिश्रा जी की जो कंपनी है उसने क्या करा है प्रोडक्शन हमेशा इस तरह से करा है कि करंट की वैल्यू कम से कम कर दी जिससे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना कम होगा करंट जितना कम होगा आई स्क्वायर आर के हिसाब से लॉस भी उतना ही कम होगा This is the biggest reason why we have a huge value of potential difference, huge value of voltage at the production company, जहां पर बिजली बनती है पता है वहाँ पर ऐसे सिंबल होता है हाँ अक्सर अधिकतर ट्रांसफार्मर के पास में ऐसा होता है मैं अभी ट्रांसफार्मर पर नहीं आता बट अगर आपके आप, किसी सोसाइटी में आप रहते हैं तो पता है कॉर्नर पे हमेशा एक ऐसा होता है बड़ा सा स्क्वायर टाइप में कुछ ऐसे निकले होते हैं प्लेट्स लगी होती है केबल बड़े बड़े वायर के आते हैं वही ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पर ऐसा डेंजरस सीन होता है खतरा ऐसे तो बड़ी बड़ी बिजली की कंपनियों में क्यों ऐसा खतरे का सिंबल होता है क्योंकि वो 200-300 तीन वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही होती है वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज जनरेट कर रही होती है थाउजेंड्स भी तो बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादा वोल्टेज क्यों करती है क्योंकि करंट जितना हो सके उतना कम हो जाए करंट जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा इसीलिए बच्चा लोग जहाँ प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पे हमें वोल्टेज को बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा रखने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है जब वो एक बार उस प्रोडक्शन कंपनी से होते हुए हमारे शहर के किसी किनारे तक पहुंचती है और फिर वापस घरों तक पहुंचने वाली होती है तब हम वापस उस वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी हमें दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ रही है आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हुआ होगा और कसम उड़ान झल्ले की जीवन काल के अनसमत है कि आपके माइंड से नहीं जाएगा और अगर ये आपके माइंड से नहीं गया है मेरे लाल बाल गोपाल तो बहुत अच्छी बात है और अगर चला जाए तो एक बार वीडियो को फिर से प्रीवियसली जा कर के सुने ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं राइट नॉट अ प्रॉब्लम सो हमने अभी तक ये देख लिया कि शुक्ला जी की जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट है और क्यों ऐसा बेस्ट है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर अपना कंपनी के अंदर बच्चा लोग वोल्टेज को मैक्सिमाइज करके रखा हुआ था यस yes, अगर वोल्टेज जितना ज्यादा होगा बच्चा पार्टी तो हमारा उससे बेनिफिट ये मिल जाता है मेरे लाल बाल गोपाल की करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और अगर करंट बहुत कम होगा तो पावर लॉस बहुत ही कम होगा जो कि बहुत ही बेनिफिशियल बात है एंड एट दी एंड यू हैव टू यूज अ लॉन्ग केबल लॉन्ग केबल वायर टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी सो इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि हमें लॉस तो होने ही वाला है सो so हम हमेशा उस कंपनी को ज़्यादा रिलेबल मानेंगे जहाँ पर हमारे को पावर लॉस कम मिल रहा है ओके okay? अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की ये पूरा एज इट इज़ पी डी एफ आपको मिल जाएगा जो भी मैं लिख रहा हूँ बच्चा लोग सो काइंडली फॉलो ऑन टेलीग्राम एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गो देर एंड चेकआउट एंड बच्चा पार्टी जल्दी से फॉलो कर लीजिए ठीक है ओके 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 अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन की कि ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में, में मेरे बच्चा लोग क्या क्या होता है तो ये एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स होती है स्क्वायर टाइप की और उसको कुछ इस तरह से रखा जाता है ऐसे इस तरह के शेप में और बच्चा ये प्लेट्स के पीछे बहुत सारी प्लेट्स है उसको मैं अगर थ्री में आपको इमेजिन करवाऊं हां थ्री में अगर आपको मैं इमेजिन कराऊं तो वो कुछ इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स है जैसे कैसे ब्लेड्स होती है ना शेविंग वाली ब्लेड्स कैसे वन बाय वन वन बाय वन होती है या फिर आप समझ लीजिए कि जो स्टेपलर की पिन होती है वो कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है तो कुछ ऐसी बहुत सारी प्लेट्स इस तरह से लगी होती है और मैं रियलिटी में आपको बताऊं तो इसमें ना दो इंग्लिश के लेटर है एक है ई और दूसरा इस तरह से आई तो आई और ई को ऐसे करके इस तरह से, से सेट करते चले जाते हैं बहुत सारा और यहाँ पर ना स्टेपल कर दिया जाता है मतलब कि यहाँ पर पिन लगा देते हैं ये यह ऐसे यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर अच्छा सॉफ्ट आयरन को ही क्यों लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तो आपके सिलेबस से जा चुका है लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है प्रीवियस ईयर के बच्चा पार्टीज के लिए तो फिर वो सारे के सारे स्लाइड्स नॉट अ स्लाइड यार स्लाइड बोलने की आदत इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारी लाइव क्लासेस चल रही है मेरी तो प्रीवियस uh, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है वहाँ पर भी मैंने लिंक दे रखा है प्रीवियस वीडियोस का या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करोगे यू हैव टू विजिट द प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैनल जहाँ पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है टू में पूरा खत्म हो चुका था सिलेबस फिर नाइन्टी ने मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी के बच्चा के लिए बनाया चाणक्य नीति सीरीज तो ये सारे की सारी चीज़ें अवेलेबल है आप जाकर के देख सकते हो बट अभी बात को सुन लो ध्यान से सॉफ्ट आयरन कोर के प्लेट्स के लेने के पीछे का रीजन सबसे बड़ा यह है कि बच्चा लोग ये हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है यानी अगर इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे ना तो इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएगी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा सबके सब इसके साथ स्टिक हो जाते हैं इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है अब इस सॉफ्ट आयरन कोर के एक साइड में वायर को इस तरह से वाइंड कर देते हैं और दूसरे साइड भी बच्चा तार को ऐसे लपेट दिया जाता है इनका क्या रोल है अभी आपको समझ में आ जाएगा बस डायग्राम देखिए कि मास्टर कैसे बना रहा है और अगर आप भी ऐसी एग्जाम में बनाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके मार्क्स को काट ले ठीक है एक ऐसे पीछे से आया हुआ है तो ये ऐसा अच्छा बच्चा दोनों तरफ वायर की वाइंडिंग करी गई है ये हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है ठीक है तो एक तरफ जो वायर की वाइंडिंग होती है वहां पर आपका इनपुट लगा होता है इनपुट सोर्स जहां से आप देंगे और वो आपका बेसिकली है क्या एसी सोर्स जिस तरफ आप इनपुट को अप्लाई करेंगे उसे आप कहेंगे बच्चा पार्टी प्राइमरी कॉइल इन अ असफॉर्मर दैट इज सेट टू बी द प्राइमरी कॉइल ओके कलर चेंज मास्टर दूसरे तरफ जहां पर आपको आउटपुट मिलेगा ये आपका आउटपुट वाला डिपार्टमेंट है जहां पे आपको वोल्टेज कम होके मिल सकता है वोल्टेज ज्यादा होके मिल सकता है तो ये हमारे लिए बोला जाएगा बच्चा लोग सेकेंडरी कोईल मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं मेरे लाल बाल गोपाल प्राइमरी कॉइल वो है जहां पे इनपुट है सेकेंडरी कॉइल वो है जहां पे आपको आउटपुट मिलेगा सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया ऐसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच हो जाता है लेकिन आप बेसिक समझ रहे हैं अगर आपके घर में रेडियो वगैरह हो तो कभी उसे तोड़ देना यार उठा के उसमें आप देखोगे कि किस तरह का एक डिवाइस आपको मिलेगा ऐसा बहुत सारा प्लेट्स उसके अंदर लगा होता है ऐसे वाइंडिंग की होती है ठीक है ये बात तो हो गई अच्छा इसे देख कर ये कुछ एहसास हो रहा है कि ये कौन से फिनोमिना पे काम करता होगा यार इट वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाउ कैन आई सी दिस कि ये वर्क uh, काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्योंकि इसमें दो कॉल एक में आपका वोल्टेज है दूसरे में है ही नहीं वहां पर आपको मिलने वाला है और ये तो एक मीडिया हो गया तो यहाँ की पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ होने वाली ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई अब हमें काम समझना है इसका काम तरीका इसका काम कैसे करता है कैसे वहां पर मुझे आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिलेगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड चलो आ जाओ देख लो इसमें क्या है सबसे पहले मेरे लाल बाल गोपाल जब इसमें से करंट पास होगा कहां से प्राइमरी कॉल से की पॉइंट्स देखिएगा अगर करंट पास होगा प्राइमरी कॉल से तो इसके आसपास में बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ये दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है तारीमाटी माटी तारीमाटीमा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गया क्या ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां जनरेट हो रही है इमेजिन करवाऊ ये पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जनरेट हो रही है क्या ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां आ जाएगी करिए, yes. क्यों? क्योंकि हमने लिया क्या है सॉफ्ट आयरन कोर के प्लेट्स लगाए हैं देर इज नो लॉस ऑफ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां है वो ट्रांसफर होकर यहां पे भी आएगी अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना तो यहां पर भी चेंज होगा क्यों यहां पर फ्लक्स में चेंज हुआ क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसी के कॉयल के एरिया के साथ लिंक है एंड वी ऑल नो दैट बी इन टू एक्स लाल बाल गोपाल ओ हो हो आनंद की अनुभूति आ गई सर जी अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है सो so, ऑल अरे भाई साहब ये कहां से आ गया ठीक है सो ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल ठीक है क्योंकि ये एसी सोर्स है ध्यान से सुनना क्योंकि ये एसी सोर्स है तो करंट में चेंज होगा ये सारी बातें आपको लिखनी है एग्जाम के एग्जाम में अगर ये आता है तो ड्यू टू एसी करेंट देर विल बी चेंज इन ए सी करेंट और इसमें चेंज आने की वजह से मेरे लाल बाल गोपाल सियाबल रामचंद्र की जय हो इसमें चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चा पार्टी चेंज होगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ बच्चा पार्टी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे एरो मतलब चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो ई एम एफ जनरेट होगा इसमें अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी ए सी वोल्टेज लगा रहे हो तो इसके अंदर जो जितना वोल्टेज है ना वही यहाँ पर जनरेट हो जाएगा जैसे अगर आप एक रजिस्टर को किसी दस वोल्टेज के साथ जोड़ते हो तो आपसे कोई पूछे कि रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज जनरेट हो सकता है मैक्सिमम कितना ड्रॉप हो सकता है तो टेन वोल्टेज का होगा तो अगर आपका इनपुट 20 वोल्टेज का इफ योर इनपुट इज 20 वोल्टेज देन 100 परसेंट दिस विल बी ऑल दिस वन विल बी 20 वोल्टेज 101 एंड परसेंट माई लाल बाल गोपाल सो so हमें ये चीज़ समझ में आ रही है ये पूरा फिनोमिना समझ में आ रहा है कि प्राइमरी कॉयल में अगर ए सी सोर्स लगा है दैट मीन्स देर इज चेंज इन करंट एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट देर विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एज अ रिजल्ट फ्लक्स विल चेंज एंड द फ्लक्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द एफरा माई लाल बाल गोपाल देर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ so let's write in the next slide ताणिंग 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 yes so बच्चा according to faraday's law for the primary coil for the primary coil हम लोग लिख सकते हैं बच्चा पार्टी ep is equal to minus np d phi by dt वेर वॉट इज एन पी जहां पर यह जो एन पी है वो है नंबर ऑफ टंस इन प्राइमरी कॉयल एंड दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द्रांसफॉर्मर एन पी क्या है मेरे लाल प्राइमरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टनस है जिसका बहुत बड़ा रोल आएगा अभी ध्यान से देखिए इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी कोयल की बात करें सेकेंडरी so, कोयल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं ई एस इंड्यूसडीएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी जहां पे एन एस क्या है तो दिस एन एस इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल ओ हो हो सर जी आनंद की अनुभूति आ गई है मजा आ रहा है और फील भी आ रहा है गजब 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 इतनी बात समझ में आ गई पर एक चीज यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहिए तुम्हारे मन में ये सवाल बनना चाहिए कि सर आपने ईपी बराबर माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी लिखा है बट वाई देर इज नॉट डी फाइव पी बाई डीटी यानी कि क्यों डी फाइव पी बाई डी टी और डी फाइव एस बाई डी टी नहीं लिखा है क्यों दोनों में चेंज इन फ्लक्स का सेम वैल्यू लिखा है Well, the answer is pretty clear. Initially, I said, my Lal Bal Gopal, that there is a soft iron core. So, whatever the change inside the primary coil, same amount of change will be there at the end of the secondary coil. The reason, soft iron core. There is no change in flux at all. There is no loss of magnetic field lines at all because of that soft iron core. इसलिए ये सेम रहेगा दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक सुंदर सा खूबसूरत सा रिजल्ट तुम्हारा सामने आ जाएगा अभी के अभी देख मेरे लाल बाल गोपाल सो so, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं लाइक ई पी बाईस इज इक्वल टू माइनस एन पी बाई माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी एंड डी फाइव बाई डी टी अगेन ठीक है क्या कट रहा है डी फाइव बाई डी टी डी फाइव बाई डी टी कैंसल आउट सो ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन मे एन एस हैंज वी कैन राइट ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी जरा ध्यान से समझना बच्चा अगर ई एस बराबर हम लिखें इट इज एन एस अपॉन एन पी इन टू ई पी ये इक्वेशन हमें ये बात का एहसास दिला रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में इक्वल हो जाए प्राइमरी और सेकेंडरी में तो ई एस विच वॉज द आउटपुट सेकेंडरी साइड ई पी विच वॉज द इनपुट साइड द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल तो फिर तो काम ही कुछ नहीं होना ट्रांसफार्मर का बच्चा पार्टी ट्रांसफार्मर का मेन रोल क्या था कि आउटपुट वोल्टेज को घटा लो या तो बढ़ा लो तो नंबर ऑफ टर्स उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है तो साइंटिस्ट को पता है जिसने भी ये बनाया ट्रांसफॉर्मर उसको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें सेम नहीं रखना चाहिए ये शुरू में आप पूछ सकते थे समझ सकते थे यानी नंबर ऑफ टर्न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोचिए अगर हम कहें कि एनएस ग्रेटर देन एन पी है एनएस की वैल्यू दस है ये पांच है तो ये आ जाएगा टू ईपी यानी प्राइमरी अगर दो है तो ई एस आपका फोर दैट इज सेट टू बी द स्टेप अप दर तो इस सिचुएशन में ई एस ग्रेटर देन ई पी होगा और ट्रांसफॉर्मर को कहा जाएगा मेरे लाल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और इसका जो सिंबल है वो भी समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मर का सिंबल देखिए बच्चा पार्टी स्टेप अप है आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ ये कॉल्स की इस तरह से रोटेशन ज्यादा दिखा दीजिए दिस इज स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ उसमें ज़्यादा दिखा देने हैं यही बात लागू हो जाती है मेरे लाल किसके ऊपर कईयों को लगेगा मास्टर साइकोट मास्टर के पढ़ाने का अंदाज है ओ हो हो एन एस ग्रेटर देन एनपी अच्छा सुन अगर एस लेस देन एन पी होगा तो ई एस लेस देन पी होगा ग्रेट अगर ई एस लेस देन ईपी होगा तो इसका मतलब है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसका सिंबल भी देख लीजिए आपको सेकेंडरी में कॉल्स कम दिखाने हैं प्राइमरी में कॉल्स ज्यादा दिखाने हैं दिस इज अ स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन एंड दिस इज अ स्टेप अप क्या चमचम चमकीला -चम रे मेरे लाल बाल गोपाल अच्छे से आनंद की अनुभूति आई अब एक और प्यारी सी बात समझिए ऐसा एक सिचुएशन माना जाता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा बट कुछ ना कुछ तो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होता ही है जो कि एक बहुत अच्छा सवाल है दो मार्क्स की थियरी के लिए आपके एनसीआरटी टेक्सट बुक के पीछे जब ट्रांसफार्मर खत्म होगा तो बहुत सारे लॉसेस होंगे हिस्टेरिस लॉसेस है करेंट लॉसेस है दुनिया भर के लॉसेस हैं उन्हें जरूर एक बार देख लेना ठीक है अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या है आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो है जिसमें ऐसा माना गया है सिर्फ माना गया है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम है अगर ऐसा है तो इनपुट पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनपुट में प्राइमरी आई पी ई एस आई एस कैन वी राइट दिस एज ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन मे आई एस और जो ई एस अपॉन ई पी था मेरे लाल वो था एनएस अपॉन में एन पी इस इक्वेशन को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दूसरी सबसे खास बात कि ये जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स था एनएस बाई एन पी इसी ने बाजी मारी इसने पूरा गेम पलटा है नंबर ऑफ टर्न्स का बहुत बड़ा रोल है इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलता है ये ट्रांसफॉर्म करता है नॉट एन पी बाई एनएस बट एन एस बाई एन पी कई किताबों में इसे आर से रिप्रेजेंट करता है अगर एन एस सॉरी आर की वैल्यू लेस देन वन है तो दैट इज सेट टू बी स्टेप डाउन अगर आर की वैल्यू एक से ज्यादा है तो उसे बोला जाएगा स्टेप अप चमचम चमकीला चम माई लाल बाल गोपाल तो ये पूरा का पूरा सब कुछ आइडियल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर कहानी सब कुछ यहाँ पर फिनिश होता है

उसी के जैसा उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके लिए कोई भी कुछ भी पे नहीं करना है कुछ भी नहीं बस आप लोगों के लिए है मेहनत कर रही है आप लोगों के साथ बच्चा पार्टी ताकि 2021 में एक बार फिर से बाबा एसएसपी के बच्चा लोग भोकाल मचा दें सो so, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन ट्रबल यू मॉम ठीक है थैंक यू सो मच बाय सी इन द नेक्स्ट